नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप। पिछले कई व्याख्यानों में हमने यूनानी दार्शनिक अरस्तु के चिंतन से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया। अरस्तु न केवल यूनानी दार्शनिक हैं अपितु वह फादर ऑफ पॉलिटिक्स हैं, और यूँ कह दीजिए कि अगर राजनीतिक दर्शन की वास्तविक शुरुआत कहीं से मानी जाती है तो वह अरस्तु है। और अरस्तु के इस चिंतन की कड़ी की निरंतरता में आज हम उसके राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार प्लेटो के राज्य संबंधी विचारों से काफ़ी भिन्न हैं और काफ़ी अलग हैं। हालांकि यदि हम दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्लेटो के जो उपादर्श राज्य की सिद्धांत है उससे अरस्तु के सिद्धांत मेल खाते हैं। यहाँ हम अरस्तु के राज्य या आदर्श राज्य की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। अरस्तु संवैधानिक शासन तंत्र को आदर्श राज्य के समान मानता है। अब ये जो संवैधानिक शासन तंत्र है इसकी चर्चा वह अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के भाग 8 में करता है और इसकी कई विशेषताएं बताता है। संवैधानिक शासन तंत्र, पहली बात तो यह है कि यह आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समकक्ष है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का आधार यदि देखा जाए तो वह अरस्तु के संवैधानिक शासन तंत्र में दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और संवैधानिक शासन व्यवस्था में काफ़ी समानता है, और उसकी जो अलग अलग विशेषताएं अरस्तु ने बताई वे भी आज के दृष्टिकोण से उनमें से कई विशेषताएं मिलती है, जैसा कि विधि पर आधारित शासन व्यवस्था। यह संवैधानिक शासन तंत्र का एक प्रमुख आधार है, एक प्रमुख विशेषता है कि अगर संवैधानिक शासन तंत्र होगा तो वह विधि पर आधारित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कानून के शासन की बात करते हैं और कानून सबके समान, सबके लिए समान होता है, कानून सबके लिए समदृष्टा होता है, कानून सबके लिए समान रूप से मान्य होता है। कानून के आधार पर किसी के साथ कम ज़्यादा का भेदभाव नहीं किया जा सकता, और यही आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का भी आधार है, कानून का शासन, विधि का शासन। तो अरस्तु विधि के शासन की बात करता है, और यह है कि अपने आप में एक बहुत मौलिकता है, एक अपने आप में बहुत आधुनिकता है कि इतने वर्षों पूर्व भी अरस्तु अपने संवैधानिक शासन तंत्र में विधि के शासन की बात करता है और विधि के आधार पर संचालित शासन व्यवस्था को वह श्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताता है। शासन व्यवस्था में मध्यम वर्ग की भूमिका। अरस्तु ने अपनी शासन व्यवस्था में मध्यम वर्ग को प्रमुख स्थान प्रदान किया। वह कहते हैं कि जहां उच्च वर्ग विलासिता में डूबा रहता है, वही जो निम्न वर्ग होता है वह आलसी होता है, वह कामचोर होता है। तो अरस्तु कहता है कि एक मध्यम वर्ग ही ऐसा है जिसको राज्य संबंधी व्यवस्थाओं की भूमिका सौंपी जा सकती है, और वह सब जगह मध्यम वर्ग की भूमिका को सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। मिश्रित शासन प्रणाली। अरस्तु अपने सिद्धांतों में मिश्रित शासन प्रणाली की बात करता है। अरस्तु जहां एक ओर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी ओर पॉलिटी के लक्षणों को मिलाकर जो शासन व्यवस्था संचालित होगी उसको श्रेष्ठ शासन व्यवस्था अरस्तु बताता है। तो अरस्तु मिश्रित शासन व्यवस्था का समर्थक है, अरस्तु सबके सहभागिता का समर्थक है, और अरस्तु सबको अलग अलग भूमिका सौंपने का पक्षधर है। विशेष न्याय व्यवस्था का वर्णन। अब विशेष न्याय व्यवस्था में देखिए अरस्तु की ये अपनी विशेष, अपने सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता है जिसमें वह वितरणात्मक एवं सुधारात्मक न्याय की बात करता है। एक तो वितरणात्मक न्याय कि न्याय का हिस्सा सबको मिले, न्याय समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे,
और दूसरा जो बताता है कि सुधारात्मक न्याय, कि न्याय जो हो वह सुधारात्मक हो, न्याय गुणात्मक हो और न्याय एक तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहयोगी हो। तो अरस्तु वितरणात्मक एवं सुधारात्मक न्याय की बात करता है, और ये भी अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों की अपनी मौलिक विशेषता है, क्योंकि इससे पूर्व वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय की बात किसी विचारक ने नहीं की। सीमित जनसंख्या, अरस्तु ये कहते हैं कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या ना तो बहुत अधिक हो और ना बहुत कम हो, वह सीमित जनसंख्या की बात करता है। जहां प्लेटो अपने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताता है, वह अरस्तु इस प्रकार की कोई संख्या तो नहीं देता। जैसे रूसो कहता है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 के करीब होनी चाहिए, प्लेटो कहता है कि 5040 होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की संख्या अरस्तु तो कहीं नहीं बताता। लेकिन अरस्तु ये जरूर कहता है कि राज्य की जनसंख्या ना तो बहुत अधिक हो और ना ही राज्य की जनसंख्या बहुत कम हो। हाँ, अरस्तु जनसंख्या की गुणात्मकता की बात जरूर करता है कि जनसंख्या संख्या में भले ही कम हो लेकिन गुणी हो, सद्गुणी हो, राज्य को चाहने वाली हो, यानी राष्ट्रभक्त हो। तो कहने का मतलब, और सीमित जनसंख्या की बात वो करता है कि बहुत अधिक जनसंख्या राज्य के संसाधनों का नुकसान ही करेगी बजाय राज्य को लाभ पहुंचाने के। तो वो सीमित जनसंख्या की बात यहाँ करता है, और सीमित जनसंख्या में भी गुणात्मकता की बात अरस्तु करता है। मध्यम आकृति का भूभाग होना चाहिए। अरस्तु अपने आदर्श राज्य की विशेषताओं में ये कहता है कि राज्य मध्यम आकृति का होना चाहिए, ना तो बहुत विस्तृत क्षेत्रफल वाला राज्य हो, ना बहुत छोटा भूभाग वाला राज्य हो। अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य का जो आकार है वो मध्यम प्रकृति का होना चाहिए, यानी ना तो बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा। हाँ, उसमें इतने संसाधन उपलब्ध हो, चाहे वो कृषि के दृष्टिकोण से देख लीजिए, चाहे आप खनिज संपदा की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से देख लीजिए, इतने संसाधन उपलब्ध हो कि उसमें रहने वाले लोगों का भरण पोषण हो जाए, चाहे वो पानी हो, चाहे और कुछ सामान्य व्यवस्था हो, कि उसमें रहने वाले लोगों का भरण पोषण हो जाए और राज्य अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो। क्योंकि बहुत बड़े राज्य, बहुत विशाल आकृति वाले राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा करना बहुत मुश्किल है, और बहुत अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में भी सामान्य सुविधाएं समानांतर चलाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि मध्यम आकृति का राज्य होना चाहिए, ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा, और उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होनी चाहिए। ये बात जैसा कि अपने प्राचीन भारतीय विचारकों में कौटिल्य भी करता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण, जिसमें वो राज्य के सप्तांग सिद्धांत में ये सारी बातें करता है, और अलग अलग दृष्टिकोण से राज्य के आकार को, राज्य की जनसंख्या को, और इनको परिभाषित करता है। तो अरस्तु कह रहा है कि राज्य मध्यम आकृति का होना चाहिए। अरस्तु मुख्यतः अपने राज्य में 6 वर्गों की बात करता है। वह कृषक, शिल्पी, योद्धा, संपत्तिशाली वर्ग, पादरी और न्यायिक वर्ग, यानी इन 6 वर्गों की वह मुख्यतः अपने सिद्धांतों में बात करता है कि 6 वर्ग राज्य में प्रमुखतया होंगे। कृषक, शिल्पी, योद्धा, संपत्तिशाली वर्ग, जिसको धनाढ्य वर्ग बोलता है, पादरी जो धार्मिक मामले देखता है, और न्यायिक वर्ग जो न्याय संबंधी कार्य करता है। अरस्तु व्यक्तिक संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन करता है। अरस्तु कहता है कि संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए, यानी संपत्ति पर अधिकार व्यक्तिगत होना चाहिए, और उसके सार्वजनिक उपभोग की बात करता है, यानी अधिकार व्यक्तिगत हो लेकिन उसका उपभोग सार्वजनिक हो। इस प्रकार की बात बहुत से विचारक करते हैं, जैसे गांधी भी यही कहता है अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में। गांधी कहते हैं कि भाई व्यक्ति का संपत्ति पर निजी अधिकार हो और उसका उपभोग सार्वजनिक हो, और यही बात अरस्तु बहुत पहले इतने वर्षों पूर्व करता है कि संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत अधिकार होगा तो वह उसकी सुरक्षा करेगा और उसका संरक्षण करेगा और उसमें वृद्धि करेगा, और उसका उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। ये बहुत
सकारात्मक और बहुत अच्छी बात अरस्तु ने बताई कि उसका उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। तो ये अरस्तु की राज्य संबंधी सिद्धांतों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हमने यहाँ बताई और अरस्तु के काफी सिद्धांतों पर हमने चर्चा की। अब एक टॉपिक और बचा अरस्तु से संबंधित, उसकी व्याख्या हम अगले व्याख्यान में करेंगे। उसके बाद में आपके अरस्तु से संबंधित यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा और फिर उसके बाद कोई नया विषय, नया टॉपिक अपन लेंगे। आप सभी को धन्यवाद।